नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस कल हमने जो कैरी फॉरवर्ड कर रखी पोजीशन, अभी उसमें कुछ प्रॉफिट है 400 रुपए के आसपास। देखते हैं मार्केट एक पॉजिटिव ओपन हो रहा है, पर मार्केट के सेंटिमेंट को आप समझिए। पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो इंडाइसेस है ग्लोबल मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबल मार्केट में मिसक्यूज है, जर्मनी सारे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जापान का मार्केट थोड़ा बहुत तेजी में है, और हमारी एजेक्स निफ्टी अच्छी तेजी में देखने को मिल रही है, वो भी 10-15 पॉइंट है, तो कुछ खास तेजी है नहीं है। अकॉर्डिंग अब हमें रहा है चार्ट पैटर, ठीक है। इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड क्यों किया है उसका लॉजिक बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल, आप सभी का स्वागत है। अगर आप एक ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मार्केट के हर एक व्यू को आपको समझना होगा, कब आपको पोजीशन अपने साथ ले जानी है और कब आपको अपने साथ नहीं ले जानी है। कैंडल्स क्या बोल रही है, हर चीज को आप जब ऑब्जर्व करोगे तो हर चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी मार्केट को टाइम होने में 2-2.5 मिनट की टाइम है, ठीक है। तब तक मैं आपको एक व्यू बता देता हूँ जिससे हम बने रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मार्केट ओपन हो रहा है 18,799 के आसपास, इस लेवल पे मार्केट। यहाँ से अगर इसको क्रॉस करता है तो हमें अच्छी खासी आज के दिन तेजी देखने को मिल सकती है। नो डाउट मार्केट में बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखिए आपको फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे भी फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, ठीक है। तो ये फॉल्स ब्रेकआउट का सिंपल सा सोल्यूशन है स्टॉप लॉस लेके चलना, और भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन थी, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा सेलिंग जोन है बिग प्लेयर्स का, इसी सेलिंग जोन के आसपास आके मार्केट रुक गया है ना। इसका मतलब यह है ये अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए सेलर्स जो कि हैवी सेलिंग कर रहे हैं, और अगर ये एक्टिवेट नहीं होते हैं, देखिए कंसोलिडेशन हुआ है, यानी कि मार्केट का जो पिछला ट्रेंड था तेजी में था उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है। तो यहाँ पे एक फ्लैग पैटर्न जैसा आपको देखने को मिल सकता है, जैसे ये हाई ब्रेक करता है आपको अच्छी खासी जितना यह बना हुआ है उतनी तेजी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब मान लो ऐसा नहीं होता है, मार्केट डाउन साइड में आना स्टार्ट कर देता है, तो ये जो स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा और हम एग्जिट कर लेंगे हमारी जो भी पोजीशन हमने सेल कर रखा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर सकता है अगर आता है तो। देखिए एग्जिट इसी लेवल पे आते ही मार्केट ने रिवर्स कर दिया है, ठीक है। वेट करेंगे ये गैप फिल होता है उसके बाद मार्केट क्या बनाता है। तो जब तक हाई और लो ब्रेक नहीं होते हैं तब तक यहाँ पे हम इनडिसाइसिव जोन में है ना। तो ये हमारा जोन है जो कि ये इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो इसको फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड है, मैंने आपको फाइनेंस निफ्टी बताया है, मार्केट ओपन हो चुका है। देखिए निफ्टी 50 में भी काफी अच्छा प्राइस एक्शन बना हुआ है, अगर इसने ब्रेकआउट देके इसी जोन पे ये कंसोलिडेशन कर रहा है, इस लाइन को ब्रेक कर देता है फिर अपसाइड पॉसिबल है, वरना यहाँ से ये गिरेगा तो लगभग आपको 18,000 के डाउन साइड या 18,000 तक जाने की संभावना है। मतलब 100 पॉइंट की अगर ये ब्रेक कर देता है लेवल को तो गिरावट हो सकती है निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का एक सा लेवल है ना जो कि आप देखिए कि मार्केट, अभी मैं एक लेवल और ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट दिखाई दे रहे होंगे आपको बैंक निफ्टी के अंदर, तो उन ब्रेकआउट्स को आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं एक लेवल बना देता हूँ, चलो ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ से मार्केट ने बहुत बार टेस्ट किया था और उसी जगह से रिवर्स हुआ है, ठीक है। एक ये अच्छी कैंडल है, गैप फिल करने की कोशिश की गई थी, थोड़ा सा गैप बाकी है, तो यहाँ पे हुए कि कन्फर्मेशन नहीं मिलेगी आपको इस जगह पे आते ही एक सेलिंग अगेन आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये गैप अगर पेंडिंग नहीं हो तो हम मान सकते हैं शार्प बाइंग आई है यहाँ से, है ना। शार्प बाइंग में टेस्ट करने आ जाता है, इस जगह पे हुआ था फॉल्स ब्रेकआउट और यहाँ पे ब्रेकआउट होकर फिर क्या किया मार्केट ने, कंसोलिडेशन किया है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है यहाँ पे। तो ये जब ब्रेकआउट होकर कंसोलिडेशन कर रहा है या ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन कर रहा है तो वो काफी अच्छा और वैलिड ब्रेकआउट होता है, ठीक है, और वहां पे अच्छी ट्रेड बन सकती है। बैंक निफ्टी का आपको दिखाई दे रहा होगा, अब फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए इसी जगह से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। जो हमारा प्रॉफिट था 400 के आसपास वो चला गया है 1,000 के आसपास, ठीक है। 1,000 रुपये के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है, और यहाँ पे देखो ओवरऑल 1,800 का है लेकिन हमें 700 का लॉस भी हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने अपनी पोजिशन को हेज बना रखी है, ठीक है। जो सेलिंग के लिए 1-1.5 लाख रुपये चाहिए होते हैं हमने उसको 800 रुपये देकर 30-35 हज़ार में कर लिए, ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि हमें 700 का यहाँ पे मार्जिन का जो बेनिफिट मिला था उसमें डीके मिल रहा है, और 1.45 और है ये आज डीके नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर आज के दिन बढ़िया डीके होगा तो हमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, अभी के अकॉर्डिंग ही 1,200-1,300 रुपये कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगर मार्केट बुलिश रहता है तो हमारे पास होल्ड करने का मौका मिल जाएगा। मैंने जो फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड लिए 18,700 के आसपास ली थी, मतलब 50 पॉइंट के आसपास इन द मनी के ये ऑप्शन था। तो इन द मनी थोड़ा रिस्की होता है पर प्रीमियम अच्छा मिल रहा था। कल मैंने एक्सपायरी पे वहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं ली थी क्योंकि मेरे को लेवल्स ही नहीं मिल रहे थे, मैं कहाँ पे ट्रेड लूँ, है ना। तो ट्रेड हमेशा वहीं लेनी है हमें कभी भी जहाँ पे हमें सही लेवल्स मिले। 18,800 का एक लेवल है जो कि अपने निफ्टी फाइनेंशियल का इंपॉर्टेंट लेवल है जो मैंने आपको अभी बताया था। देखिए इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले अगर ये आता है
और ये गैप फिल कर देता है, और तो फिर ये ब्रेक करे ना तो मजा आ जाएगा, तो अच्छी हमें तेजी देखने को मिल सकती है। क्योंकि गैप पेंडिंग है तो बहुत सारे बायर्स हैं वो क्या है कि अभी इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे कि यार हम इसको यहाँ पे बाई करें, क्या पता हम जैसे ही बाई करें और गैप फिल करने आ जाए, है ना। तो वो वाला मतलब उनमें क्या है कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा इस गैप की वजह से, उस कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से आपको यहाँ पे क्या शार्प तेजी देखने को नहीं मिल रही है। वरना अगर ये गैप फिल करके ऊपर क्रॉस कर देता 100% बहुत सारे नए बायर्स ऐसे ऐड हो जाते हैं जिनको कि यहाँ पे आराम से ट्रेड और सेटअप मिल रहा है। ये छोटा सा गैप है बस, इसको फिल कर देना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, कोशिश भी की जा रही है गैप को फिल करने की। मैं आपको थोड़ा सा, चलिए हम अपना जो रिस्क मैनेजमेंट का है मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ जिससे कि आप समझ सको। ठीक है, ये रहा, मैं आपको एक पैटर्न बना देता हूँ इसको। धन ऐप से आप ट्रेडिंग व्यू को डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। मैंने अभी भी इसको जैसे ओपन किया है ना तो टाइम नहीं मिला कनेक्ट करने का, या फिर आप धन ऐप के अंदर ही ट्रेडिंग व्यू का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैंने धन ऐप के अंदर फ्यूचर्स ओपन कर रखे हैं क्योंकि फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो ऑप्शंस के चार्ट चलते हैं वो फ्यूचर्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। देखिए ये जो है निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर्स है, और इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी सेम काइंड ऑफ पैटर्न। यहाँ पे देखिए कि मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया था, ठीक है, अब ये ब्रेकआउट होके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, तो चांस है, पॉसिबल हो सकता है यहाँ से ये रिवर्स कर जाए। और अभी इसमें कौन ऐड हो रहे हैं तो हम बिल्डअप देखेंगे, लाइव बिल्डअप पे जाएंगे, इसी चार्ट पे क्लिक करेंगे, लाइव बिल्डअप आ जाएगा। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है इसमें, मतलब कि इसके अंदर बायर्स ऐड हो रहे हैं जो कि ये चाहते हैं कि मार्केट ऊपर जाए, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा होता है और ये आपको मिल जाता है अपने जो धन ऐप है उसमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है ना। तो आप कहाँ पे बायर्स एंटर हो रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स एंटर हो रहे हैं, ये भी आप पता कर सकते हो। फिर निफ्टी के अंदर कुछ शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, यानी कि जो गैप है ना उसको फिल करने की कोशिश की जाएगी। निफ्टी बैंक के अंदर फ्यूचर्स के अंदर देखो तो निफ्टी बैंक एक साइडवेज ही है। कितने ज़्यादा फॉल्स ब्रेकआउट हुए देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा, 2 बार यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 3 बार फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, और 4 5 बार, 5 बार यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, 2 3 बार ऊपर की तरफ फॉल्स ब्रेकआउट हुए थे। इन ब्रेकआउट से आपको बचना है। निफ्टी 50 में काफ़ी अच्छी कैंडल्स बन रही है, देखिए काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है वहाँ। ठीक है, तो ये अगर अपनी रेंज को क्रॉस कर देता है फ्यूचर्स में तो फिर आपको काफ़ी ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। ये हमारा एक लेवल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये फ्यूचर्स का चार्ट भी आपको देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एडवांस लेवल पे करनी है ना एनालिसिस, फिर अच्छा प्रॉफिट भी बनाना है, तो फिर आपको एडवांस सॉरी एनालिसिस भी ज़्यादा करनी होगी। फिर निफ्टी ने देखिए ब्रेकआउट दिया है, फिर निफ्टी ने कोशिश की है कि इस लेवल को एक बार तोड़ दिया जाए, है ना। तो कोशिश हो रही है, निफ्टी भी बुलिश आ चुका है, निफ्टी में भी देखिए थोड़ी बुलिश पोजीशन आ चुकी है। ये फ्यूचर का चार्ट देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाओ, तो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस फाइनली एक ब्रेकआउट दे चुका है और मार्केट ने काफ़ी अच्छा लेवल्स यहाँ पे बनाकर ऊपर क्रॉस कर दिया है। क्या आपको यहाँ पे ऑप्शन बायर्स हैं उनको पोजिशन एड करनी चाहिए, तो वहाँ पे ये ऑप्शन बायर्स गैप अप हुआ उसके बाद अपना एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके बना सकते हैं पोजिशन। इस लेवल पे पोजिशन बनाना थोड़ा रिस्की रहता है क्योंकि देखिए यहाँ पे सेलिंग जोन था, तो सबको पता है कि मार्केट अगर इसी लेवल से गिरेगी तो फिर पैसा कौन बनाएगा, सारे ही प्रॉफिट बनाएंगे तो लॉस कौन करेगा। तो मैं भी मार्केट ऊपर जाके फिर रेड कैंडल बनाए, फॉल्स ब्रेकआउट अगेन कन्वर्ट होकर फिर डाउन साइड आ सके, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। एंट्री कब लेनी है, अगर ऐसा ब्रेकआउट हो तो यहाँ पे कोई भी सेकंड कैंडल इसका हाई ब्रेक कर देती है, तो वहाँ पे आप ले सकते हो स्टॉप लॉस, आप इस कैंडल के आसपास या थोड़ा यहाँ पे ले सकते हो स्टॉप लॉस। ठीक है, ऐसी सिचुएशंस बन सकती है। तो मैं मेरा जो रिस्क मैनेजमेंट का है मैं ट्रेड का, वो मैं आपको एक बार ट्रेड शो दे रही, लगभग 1600 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे, 1700 1600 के आसपास। ठीक है, अब मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का बता देता हूँ कि मेरी क्या रिस्क मैनेजमेंट रहने वाली है। तो मेरी जो बाइंग थी लगभग 700 के आसपास थी कल, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ फिर ऊपर गया। हाँ, अपना है ना इस लेवल के आसपास थी, 728 ये वाला। ठीक है, तो ये इसी लेवल पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। क्या टारगेट रहेगा, तो ऑप्शन सेलिंग है इसमें, मैं क्या टारगेट रखूँ, इसमें तो अपने को उससे ज़्यादा प्रीमियम से ज़्यादा मिलने का नहीं है, तो एक अच्छा डीके हो जाएगा तो हम यहाँ पे एग्जिट करने का प्लान बना लेंगे यहाँ पे 720। हाँ ओके, और अगर आप देखो अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है ना तो फिर मेरा जो टारगेट है देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अच्छा, एक मिनट मैं आपको लेवल ड्रॉ करके बता देता हूँ कौन सा इसका इम्पोर्टेंट लेवल है जो यहाँ पर, दिस इज सेम लेवल, ये वही लेवल है। तो इम्पोर्टेंट ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, अगर मार्केट इसके ऊपर क्रॉस कर देता है तो आपको 18,900 का लेवल देखने को मिल सकता है पहला, दूसरा लेवल है 19,000 का।
ये दोनों लेवल इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि एक राउंड नंबर है उसके ऊपर भी आप चाहते हो तो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लाइक कर दीजिए आप वीडियो को और कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा, देखिए क्या ये सस्टेन कर पाएगा। बहुत ज़्यादा लेवल्स हो रहे हो तो मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ उसको, रिमूव कर देता हूँ। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे नहीं, किन किन बातों का ध्यान रखना है। मैं यही चाहता हूँ कि कम से कम आप धीरे 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 अपनी ग्रोथ करो, जो गलतियाँ होती हैं उनको कंट्रोल करो और प्रॉफिट बनाओ। निफ्टी 50 अभी भी बुलिश नहीं आ पा रहा है, ठीक है, जबकि निफ्टी बैंक ने तो 250-200 पॉइंट की तेजी दिखा दी है। अपने पास 35 का 97 पे सेल किया था, 35 के आसपास डीके हो चुका है, तो अब इसमें कितना डीके और हो सकता है देखेंगे, ठीक है। अपने पास अभी तो होल्ड करने का टाइम है। हाँ मैं और चीज़ बताता हूँ आपको क्या देखना था। हाँ फिन निफ्टी में हमने ट्रेड लिख ली ना, अब फिन निफ्टी में हम क्या देखेंगे, ऑप्शन में कहाँ पे ओ आई ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, पीसीआर पुट कॉल रेशियो क्या है, इस चीज़ से एक अच्छा व्यू आता है। ये चीज़ आपको समझनी होगी धीरे धीरे। ऑप्शन चेन देखें, उससे अच्छा कि हमें यहाँ पे सिंपल से देखो डायरेक्ट ही मिल जाते हैं, तो ऑप्शन चेन को रीड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप है ना ये सब कुछ देखने के लिए अलग अलग ऐप यूज़ करते हो, तो आपको एक ही ऐप में सब कुछ मिल जाएगा, धन ऐप, जिसमें आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपनिंग है, कोई भी चार्ज नहीं है और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। निफ्टी कुछ ज़्यादा ही वीक नहीं हो रहा है, कोशिश की जा रही है निफ्टी को नीचे ले जाने की, 100 से नीचे निकल चुका है, क्यों होगा, ठीक है, निफ्टी से हमें कुछ है नहीं, क्योंकि जो कंपनियों के रिजल्ट है ना वो अच्छे नहीं आ रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की कुछ बात अलग हो सकती है, बट जो कल एशियन पेंट्स के और बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं, तो उनके रिजल्ट में कुछ दम नहीं है, मार्केट उनको हल्के में ले रहा है कि चलो निकलो यार ऐसे रिजल्ट से, तो उन सब में अगर प्रॉफिट बुकिंग निकलती है, लोग निकलते हैं, तो निफ्टी तो गिरना ही है। यहाँ पे देखिए 18,800 का इम्पोर्टेंट कॉल राइटिंग हो रखी है यहाँ पे, यानी कि लोगों का मानना ये है कि मार्केट 18,800 से नीचे ही रहेगा, तो जब तक ये मार्केट 18,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर जाता है, अभी तो 18,800 पे आ चुका है, ये लोग अगर भागने लग गए ना तो फिर आपको यहाँ पे 100-200 पॉइंट की तेजी देखने को मिल जाएग�। 18,800 वाले जो होल सेलर हैं ये भागने लग जाते तो आपको जबरदस्त सेलिंग देखने को। 18,800 का यहाँ पे देखिए कुछ पुट राइटिंग भी हो रखी है, ज़्यादा नहीं है, जैसे पुट राइटर्स बहुत कम है आज के दिन, ठीक है, तो ये सब लेवल्स आपको ध्यान में रखने होंगे। इम्पोर्टेंट लेवल है 18,600 पे, ज़्यादा कॉल पुट राइटिंग हो रखी है, कॉल राइटिंग 18,800 पे है, फिर 900 पे और फिर 19,000 पे, और बिल्कुल सेफ वाले बैठे हैं तो 19,300 पे। ये चार लेवल इंपॉर्टेंट है, बाकी तो छोटे मोटे वो जल्दी से निकल जाते हैं अपना लॉस देखा, तो हमें भी वेट अपना जो प्रॉफिट है उसको अपना व्यवस्थित रखना होगा। 9:28 हो रहे हैं दोस्तों, चलो सस्टेन होने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, ये सस्टेन हो नहीं पा रहा है। हाँ देखो बैंक निफ्टी में कुछ लॉन्ग लेग डोजी जैसी देखने को मिल रही है, तो ये साइड वेज जा सकता है। वाओ निफ्टी मतलब रुक भी नहीं पा रहा है ऊपर की लेवल पे, बिल्कुल नहीं रुक पा रहा है। देखिए जो सेलिंग कैंडल ये निकल जाता है ना, तो फिर आपको जो लेवल्स बताए गए हैं 18,000 के, वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम इस निफ्टी 50 को देखकर हमारी पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर लें या एग्जिट हो जाए, ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए हमें, ये सब कुछ आप सोच सकते हो, क्योंकि जब आप ट्रेड करते हो तो तीनों इंडाइसेस को देखते हो कि तीनों में क्या सेंटिमेंट है, एक गिर रहा है, दो बढ़ रहे हैं, दो गिर रहे हैं, एक बढ़ रहे हैं, तो क्या इनका कुछ कॉम्पे मतलब है आपस में तालमेल, हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं निफ्टी 50 गिर रहा है तो बैंक निफ्टी भी गिरे और फाइनेंस निफ्टी भी गिरे, है ना, हो सकता है ऐसा। पर यहाँ पे जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेजी में है और निफ्टी गिर रहा है उस दिन, ऐसा बहुत बार मैंने मार्केट देखा है। डेटा हमें बता रहा है, फिर निफ्टी में बता रहा है कि तेजी में रहेगा, बैंक निफ्टी में बता रहा है कि गिरावट में नहीं, बैंक निफ्टी में अभी साइडवेज ही है, जैसे एक ब्रेकआउट हुआ है, चलो बैंक निफ्टी में थोड़ा बुलिश डेटा है, लगभग 100-150 पॉइंट की तेजी अभी बैंक निफ्टी में और दिखाई दे रही है, यहाँ से जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ तब तक तो हमें 100-150 पॉइंट की तेजी है। निफ्टी थोड़ा बीरिश होने की कोशिश कर रहा है, पर अगर ये यहाँ से क्रॉस कर देता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा बीरिश हो जाएगा, ये लेवल है तब तक तो यहाँ पे सेफ है, जैसे है ना, जैसे इसके पास एक रेंज है, ये चीज़ आपको देखनी होगी, है ना। तो अब मैं आपको मिलता हूँ कुछ टाइम बाद, जो भी इंपॉर्टेंट होगा मैं सब कुछ अपडेट करूंगा। 9:30 हुए हैं, हमारी पोजीशन अभी चल रही है 1700-1800 के आसपास, हमारा जो प्रॉफिट है वो हमने ले रखा है, देखते हैं क्या होता है आगे, मिलते हैं कुछ टाइम बाद।
टाइम हो रहा है 10:36 गाइस। निफ्टी 50 ने एक ब्रेकआउट दे दिया है और पिछली बार यहां से कोशिश की लेकिन जितने भी पुट बायर इसमें ऐड हुए होंगे लपेट लिया गया उनको। ठीक है, अब मैं बता दूं हमारी फिन निफ्टी की पोजीशन क्या है। तो फिन निफ्टी में भी चलो हम अच्छे मार्केट ओपन हुआ, अच्छी खासी तेजी में आ चुका है। ठीक है, तो हो सके थोड़ा बहुत यहाँ पे पुल बैक ले फिर ऊपर जाए या फिर यहीं से ये गिर भी सकता है क्योंकि एक गैप पेंडिंग है छोटा सा और बजट से पहले इसी प्रकार से मार्केट रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको देखने मिल सकता है। बैंक निफ्टी अपने इंपोर्टेंट सेलिंग जोन पे है और ये शार्प ऐसे कैंडल बनी है तो इसमें मैं गिरावट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है 12-1 बजे के आसपास क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। बाकी हाई ब्रेक करता है तो तेजी की संभावना है हॉकी पर, अभी मेरे को नहीं लग रहा है ये तेजी में जाएगा क्योंकि एक ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे कोई भी शेयर नहीं जाता है, वो आता है धीरे धीरे ऊपर जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा फाइन निफ्टी में आपको पोजिशन बता देता हूँ, लगभग 2200-2300 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है तो मैं इसको सही टाइम पे एग्जिट कर दूंगा, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अपना अच्छा बन चुका है। ठीक है, और ये सब कुछ चीजें आपको धन ऐप में मिल जाती है तो आपको अलग अलग ऐप को देखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह पे आप सारी एनालिसिस कर सकते हो। तो जो भी नए लोग हैं बिगिनर्स हैं अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का प्लान बनाते हैं तो मेरे ख्याल से उनको धन ऐप में ही करना चाहिए क्योंकि सारी एनालिसिस मिल जाएगी तो उनका टाइम काफी बच जाएगा और पैसे अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं है। इन फ्यूचर आपको बहुत सारी ऐसी सुविधाएं भी मिलेगी धन द्वारा जिससे कि आपको और भी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिले। ठीक है, तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा जहां पे आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, वो भी 10 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये चीज काफी अच्छी रहेगी आपके लिए। आज का ज्ञान यही समाप्त करते हैं दोस्तों कि अब ऐसा कुछ है नहीं, आपको सारे लेवल्स भी बता दिए मैंने, ट्रेड कैसे ली क्या लॉजिक था सब कुछ बता दिया है ना। अब मेरे को सिर्फ अपना प्रॉफिट बुक करना है तो मैं देखूंगा कुछ टाइम और वेट कर लूंगा, अब इसमें ज्यादा टाइम टीके होगा नहीं क्योंकि इसको देख लो 3-4 दिन 5 दिन पड़े इसकी एक्सपायरी को, तो 5 दिन के लिए ये ना और टाइम डिके नहीं होगा। अब इसमें कल हो सकता है टाइम डिके, मतलब 2 दिन की छुट्टियां आ गई है ना, तो अब अभी के लेवल पे तो इसमें ज्यादा नहीं मिलेगा, 2-3 पॉइंट से ज्यादा और हमें नहीं मिल सकता है क्योंकि इतना टाइम डिके नहीं होता है। तो डायरेक्शनल भी हम मिल गया, प्रॉफिट भी हमें अच्छा खासा मिल गया है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।